Assalamu alaikum. I'm back with another video on leftover fabric. जी, ये आपने फैब्रिक देख लिया है. ये आज मैं आपको बताने लगी हूँ कि मैं इसको किस तरह से डिज़ाइन करने वाली हूँ. ये मैंने सेंटर पैनल के लिए ये कट कर लिया है. 17 इंचेस आया है. अब ये मेरा जो बाकी का फैब्रिक है, इसमें से मैं इसके लिए कलियाँ कट करूँगी ताकि इसकी शर्ट की विड्थ पूरी हो जाए. ये मैं आइडिया करूँगी पहले रख के. ये बाजू कट कर लूँगी आर्म होल. ये मैं इक्वल पार्ट्स कट कर लूँगी. बराबर करके मैंने ये पैच ले लिया. ये डबल कप फैब्रिक है. इसको भी मैं सारा नीट कर लूँगी. अच्छा, इसमें जो मैक्सिमम एम्ब्रॉयडर्ड पार्ट था ना, उसको मैंने नेक लाइन की तरफ कर दिया. अच्छा, ये यहाँ पे जो है ना, मैं अब कली को देखूँगी. ये 3.5 इंच है और मुझे 7 इंच चाहिए. तो अब मैं यहाँ से भी ना इस कली को 3.5 इंच रख दूँगी और ये ऑपोजिट साइड से भी ऐसे डायगनल तिरछी लाइन ड्रॉ करके तो ये कलियाँ कट कर लूँगी. ये अब 7 इंच पूरा हो जाएगा. ये मेरी कलियाँ फिर 4 रेडी हो जाएंगी इस तरह से. ये देखिए, मैं आपको रख के दिखाती हूँ कि इस तरह से इसका कितना सारा फ्लेयर होगा. अब ऊपर का एरिया मुझे कवर करना है. चेस्ट एरिया जो है, शोल्डर एरिया, उसको भी मैंने करना है. अब इससे पहले मैं देखूँगी कि मेरे पास फैब्रिक क्या क्या है. ये मैंने स्लीव्स के लिए रखा हुआ है और स्लीव्स की थोड़ी सी लेंथ बढ़ाने के लिए ना मैं ये कफ आगे लगा दूँगी. ये 5 इंच है, बिल्कुल ठीक हो इसका स्लीव्स का होल तैयार हो जाएगा. अच्छा, अब ये जो मेरे पास ये पैच बचा है एक छोटा सा, ये ऊपर कवर करने के लिए, इसको मैंने जो है ना इसके ऊपर यूं जॉइन कर लेना दोनों तरफ. इक्वल कट करके मैं इसके 4 ब्लॉक्स के लिए, ब्लॉक्स ही बन जाएंगे ये, नीट कर लूँगी सारे, मतलब सारी साइड्स इक्वल करके. ये देखिए, ये 2, ये देखिए, मेरे पास 4 हो गए. अब मैं कलियों के ऊपर रखूँगी. ये कलियों की इस तरफ को डायरेक्शन है तो मैं इसकी भी इसी तरफ की डायरेक्शन लूँगी और ये सेम डायरेक्शन में इनको ज्वाइन कर लूँगी. अब मैं इसको इक्वल कर लूँगी. ये मेरी कलियाँ रेडी हैं बिल्कुल. अच्छा, अब ये मेरे पास लेसेस हैं. ये मैं इन शर्ट्स के ऊपर लगाने, इस शर्ट के ऊपर लगाने लगी हूँ. यहाँ जो जॉइंट है ना, ये सारे जॉइंट्स पर मैं ये ज़िगज़ैग गोल्डन कलर की लेस लगा दूँगी फिर इसको सेंटर पैनल से ज्वाइन कर दूँगी लाइक दिस. ये देखिए, ये मेरी रेडी हो गई है फ्रंट एंड बैक. अब मैं इसको जैसे शर्ट की कटिंग होती है उस तरह से मैं कर लूँगी. 2 ईयर का ड्रेस है तो 2 ईयर के लिए शोल्डर साइज़ मैं 4.5 से 5 इंचेस के दरमियान कट करती हूँ और डाउन शोल्डर 1/2 इंच रखने के बाद मैं आर्म होल जो है वो 5 इंच रख देती हूँ. इस तरह से ना बच्चे को उतारने में और पहनाने में आसान हो जाता है. थोड़ा लूज़ ही रखती हूँ, ज़्यादा फिटिंग वाले कपड़ों में बच्चे डिस्टर्ब होते हैं. ये मेरा आर्म होल भी बन गया. अब मैं इनको इक्वल करके कटिंग कर दूँगी. फिटिंग ऐसा चीज़ में ज़रूरत नहीं है. जो अब हमारे पास चौड़ाई आ गई है वो काफ़ी है. अब यहाँ से बस मैं इसको स्ट्रेट कर दूँगी, इक्वल कर दूँगी. ये भी नीट हो जाएगा मेरा. ये इसकी शेप बन गई. फ्रंट नेक 2 इंचेस और बैक नेक 1 इंचेस रखती हूँ और विड्थ जो है मैं 2 इंचेस रखती हूँ नेकलाइन की. जी, अब मैं स्लीव्स आपको दिखा देती हूँ. ये मेरे पास एक पैच है जिसको मैंने आगे इसके कफ बना के लगाना. स्लीव्स की कटिंग कर लूँगी मैं.
ये यहाँ पे ऐसे चुनर्स डाल के ज्वाइन कर लूँगी। ये लेसेस मैं लगा लूँगी जॉइंट्स पे, बैक पे मैं ये जिगजैग लगा दूँगी। आपकी मर्ज़ी है, आपका जो दिल करे, जैसे दिल करे आप इसके ऊपर जो है डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। मुझे अच्छा लगता है डिफरेंट तरह की लेसेस एक ही ड्रेस के ऊपर लगाना। ये इसकी पट्टी तैयार कर लूँगी। ये देखिए मैंने ज्वाइन कर लिया पैनल फ्रंट बैक दोनों, और ये पट्टी भी मैंने लगा ली है बटन टेक। अब मैंने इसके नेक पे पाइपिंग करनी है। पाइपिंग के लिए ये जो मेरे पास पैच है ना, पीस बचा हुआ, ये मेरे ट्राउज़र से जो मैंने इसका ट्राउज़र बनाया है उसके साथ बच गया था उसमें से, तो इसमें से मैं डायगनल पट्टियाँ काट कर और ये पट्टी तैयार कर लूँगी लंबी सी पाइपिंग के लिए। इसको पाइपिंग लगा दूँगी यहाँ पे, देखें। अच्छा, ये मैं बाजू तैयार करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह चुनर डाल के कफ बना लूँगी। ये बन गए मेरे बाजू। अब इसमें देखिए, एक साइड पे थोड़ा ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी और एक पे कम, वो फ्रंट पे कर दूँगी जो ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट है। और ये सारी स्टिच करनी, ये शर्ट मेरी स्टिच हो गई यहाँ तक। ये बाजू देखिए चुनर हल्की सी आ गई हैं, प्यारी लग रही हैं। ये भी मेरा कम्प्लीट हो गया। अच्छा, अब मैंने ये लिया है ऑर्गेन्जा, उसको डाई करवा लिया था, इसके अंदर जो एम्ब्रॉयडरी का शेड आ रहा है उस कलर का। ये आधा गज लिया था, अब मैं उसको सेंटर में से फाड़ के सेंटर में दो हिस्से करके इनको आपस में ज्वाइन कर लूँगी। ये किनारे मैंने कट कर लेने हैं। अब मैं इनको आपस में ज्वाइन कर लूँगी, एक साइड से ही ज्वाइन करूँगी और उसके बाद फिर इस तरह से सिलाई लगा दूँगी। ये देखिए, इसको मैंने अंदर कर दिया सिलाई को, और इसको सारी को प्रेस करके बिठा लूँगी। तो ये देखें, मेरे पास एक नीट बन जाएगा, किनारा नीट हो जाएगा, फिर इसके धागे नहीं निकलते रहेंगे। ये देखें, ये अंदर की तरफ हो गई इसमें। अब मैं इन दोनों को आपस में इस तरह से ज्वाइन कर लूँगी अंदर से। तो मेरी मैक्सिमम सिलाई यहाँ से जितनी लगेगी मैं उतनी लगाती चली जाऊँगी। जो पार्ट रह जाएगा उसको मैं बाद में एंड पे सेट कर दूँगी। ये देखें, ये मैंने सीधा कर दिया। अब ये जो रह गई है सिलाई, इसको मैं अंदर एडजस्ट करके इसको हाथ से कवर कर दूँगी सुई धागे से। अब इसको बिठा दूँगी। अब मैं इसके फोर पॉइंट्स मार्क कर लूँगी और शर्ट के भी फोर पॉइंट्स के साथ मैं इसको जो है ना पिनअप कर लूँगी इक्वली। उससे मुझे ना चुनर्स डालने में इजी हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से मैं, ये देखिए मैं कंप्लीट हो गई है शर्ट, और इसके ऊपर भी मैंने लेस लगा दी है ज्वाइन करने के बाद। ये मेरी बैक साइड है, काज करके बटन भी लगा लिया, और ये इसका ट्राउज़र है। ये आपको अब सारा डिटेल व्यू दे रही हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।